तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आ चुका है, जो हम ये भी कह सकते हैं कि रोहित शेट्टी की वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यूशन यानी पहली एंट्री होते नजर आ रही, जिसका ट्रेलर हमें शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है। भाई साहब, रोहित शेट्टी ने, हम सभी जानते हैं, बॉलीवुड में बहुत सी गाड़ियाँ उड़ाई हैं, बहुत सा कॉमेडी फन मूवी भी देखे गए हैं, लाइक गोलमाल फ्रेंचाइजी भाई साहब, जिसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। लेकिन वेब सीरीज की दुनिया में इनका डंका सफल होता या नहीं होता, ये चीज़ देखने लायक हुई, क्योंकि भाई ट्रेलर बहुत प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम बहुत कुछ आपको देने वाले हैं, लाइक मिस्ट्री, सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर। तो वैसे ट्रेलर को रिव्यू करेंगे, डिकोड करेंगे, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या करना है। उससे पहले आपको वीडियो पे एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। भाई साहब, सिद्धार्थ मल्होत्रा को मेन लीड पर रखा जा रहा है, जो यंग कॉप को प्रमोट कर रहा है, जो एक बार के लिए बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आजकल का जनरेशन है, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है भाई साहब, जो यंग जनरेशन है फुल डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द मिलिट्री, टुवर्ड्स द कॉप यूनिवर्स एंड पुलिस फोर्स में, मतलब सिविल्स के लिए जो बहुत ही जबरदस्त तैयारी करते हैं। भाई साहब, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, यहाँ 12th के बाद 4 में से 3 बच्चे के दिमाग में या उसके जहन में ये डाल दिया जाता है कि भाई साहब आप डिफेंस के लिए तैयारी करो या फिर पुलिस फोर्स के लिए तैयारी करो, मतलब सिविल सर्विसेज के लिए। तो भाई इस चीज़ से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। और जो फिलहाल में ट्रेंड पे चल रहा है भाई साहब, यंग जनरेशन ऐसे बड़ी पोस्ट पर, देन उसके बाद उसे पूरा ताकत देना, वो चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है। मेन लीड में देखने को मिल रहे हैं भाई धमाका मचाते तो नजर आ रहे हैं। बाकी शिल्पा शेट्टी भाई सेकंड लीड में देखने को मिल रही है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में हमको विवेक ओबेरॉय और शरद केलकर देखने को मिल रहे हैं। भाई साहब, फुल क्राइम थ्रिलर एंड दबा के सस्पेंस मिलेगा, ये कहना अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि भाई साहब ट्रेलर जितना देखा जाए तो क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस के बेस पे आप अगर मिस्टीरियस ऐसी कोई वेब सीरीज बनाती हो तो भाई आपको ट्रेलर में ही बहुत कुछ ऐसा डालना पड़ता है कि भाई साहब जनता ना उत्सुक हो जाए कि भाई मिलने क्या वाला है। लेकिन इनके ट्रेलर में थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि भाई साहब ये चीज़ हम पहले भी सी देख कर आ चुके हैं और वही चीज़ इसमें भी फॉरवर्ड होते नजर आ रही है। ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस का पंगा ऐसे साइकोपैथ क्रिमिनल से है जो खुद को डेढ़ साना समझता है, खुद की तरफ अटेंशन ग्रैब करना चाहता है, जो यूजुअली एक साइको टीनेजर सी होते हैं जिनको उतना खासा समझ होती नहीं है, बस एक हिसाब की साइकोपैथ होते हैं, जिस हिसाब से वो ऐसी क्रिंज हरकतें कर देते हैं, और उसी के पीछे ये कहानी हमें देखने को मिल रही है। क्राइम एंड मिस्ट्री सॉल्व सिनेरियो मिलेगा और कितना ज़्यादा ये बहुत सस्पिशियस होगा, वो एक बार के लिए ट्रेलर उतना प्रॉमिस करते नजर नहीं आ रहा है। बाकी भाई, अगर आपकी वेब सीरीज में दम होगा तो आपकी कहानी को भी दमदार होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंटेंट हम पहले भी देख कर आ चुके हैं, लाइक आप दिल्ली क्राइम की बात कर लीजिए, लाइक आप द फैमिली मैन की बात कर लीजिए। भाई साहब, उनके कॉन्टेंट में ये था कि मतलब ऐसा मोमेंट मेकर्स क्रिएट कर देते हैं कि भाई साहब आगे वाले सीन में आखिर होने क्या वाला है। अगर ये चीज़ वेब सीरीज में देखते हुए पकड़ी गई तो भाई ठीक है, आपका कंटेंट बहुत दमदार होने वाला है। लेकिन अगर अगला कंटेंट या फिर अगला ही मोमेंट खुद पब्लिक के द्वारा, जो ऑडियंस है, आपके व्यूअर्स हैं, उन्हीं के द्वारा डिकोड हो गया कि यार ये चीज़ तो मैंने पहले ही सोच ली थी भाई ये होने वाला है, तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा। बाकी ठीक है, ट्रेलर प्रॉमिस तो कर रहा है, लेकिन ट्रेलर से बहुत कुछ पता भी लग रहा है कि भाई साहब आपकी कहानी होने क्या वाली है। जबकि भाई ऐसे मिस्ट्री सस्पेंस और जो क्रिमिनल्स देखने को लास्ट में वो दिखाया भी है, भाई कोई बहुत मजा हुआ खिलाड़ी नहीं है, मतलब टीनेजर्स टाइप का ही दिख रहा है, जो हरकतें ऐसी यूजुअली ऐसे टीनेजर्स ही करते हैं, और वही चीज़ उसमें भी देखने को मिल रही है, तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि उसकी हरकतें और कहाँ तक हो सकती हैं। बाकी वेब सीरीज का वेट करते हैं, 19 जनवरी को ये हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी आपने ट्रेलर देख लिया तो आपको कैसा लगा? भाई मुझे दमदार लगा, क्योंकि एक्साइटमेंट है रोहित शेट्टी के इस फर्स्ट डेब्यूशन के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।